तनुज का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से लगातार वो बने हुए हैं। तनुज, अभी ताजा तस्वीरें क्या हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है वो जानकारी हमने दे दी है, आपके आसपास जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाइए और मतदाताओं से भी बातचीत कीजिए। हाँ देखिए, गाजीपुर में जो मतदाताओं का उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मतदाता वोट करने के लिए घरों से निकल रहे हैं, देख लीजिए, महिला मतदाताओं की कतारें टूटने का नाम नहीं ले रही और सुबह से ऐसी ही तस्वीरें तमाम गाजीपुर के जो बूथ हैं उन पर नजर आ रही है। और गाजीपुर के लिए देखिए, एक संयोग कहें इसको, एक संयोग यहाँ पर बन रहा है कि सातवां चरण है, 7 मार्च है और 7 विधानसभा सीटें हैं, तो ये सबसे अच्छा संयोग यहाँ बनना और इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि इन 7 विधानसभा सीटों पर कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा। जो कुछ महिला मतदाता हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ वोट करने आए? अरे वही बताएं कि महिला सुरक्षा है तो हम लोग उसी पर दे रहे हैं वोट। महिला सुरक्षा जी, वैसे सुरक्षा पहले से ज्यादा महसूस हो रही है क्या? हाँ, पहले से ज्यादा ही महसूस हो रही है सब लोग को। विकास की अगर बात करें, विकास भी पहले से ज्यादा है, हर चीज की सुविधा है। हाँ। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, आप बता दीजिए जरा, मैम आप बता दीजिए कि किस मुद्दे को लेकर वोट करने आए? वही महिला सुरक्षा रहे, जनता का भी सुरक्षा रहे, यही ना है, यही हम लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल सनोज, तो देखिए महिला सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है, हमारे साथ आप बने रहिए।